हेलो welcome to वेलकम टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अ लवली "Stopping by स्टॉपिंग on a Snowy इवनिंग एंड इट इज रिटन by रॉबर्ट Frost. तो जैसा कि इस पोएम का नाम है उसका मतलब क्या है Snowy इवनिंग का मतलब होता है ऐसी शाम जब बर्फ पड़ने यानी बर्फीली शाम स्टॉपिंग मतलब रुक जाना वूड्स मतलब जंगल में यानी कि जंगल में रुक जाना एक ऐसी शाम को जब बर्फ ही बर्फ पड़ रही हो तो लेट्स रीड द पोएम अच्छा पोए को पढ़ने से पहले बता देना चाहती हूँ कि एक बार क्या होता जो फ्रोस्ट है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कहीं जा रहे होते हैं अपने काम से तो जब वो जा रहे होते हैं अपने घोड़े पर बैठ कर तो उस टाइम पर एक जंगल पड़ता है रास्ते में जो जंगल था वो बहुत ही सघन था गहन था और खूबसूरत भी था काफ़ी उसकी जो सुंदरता थी वो देखते ही बनती थी तो जो पोइट है वो सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुका जाए वो थक भी गए थे तो सोचा कि थोड़ी देर रुक जाएं आराम कर लें साथ ही साथ इस जंगल की खूबसूरती को अपनी आंखों में वो कैद भी कर लें तो उस दौरान जब वो अपने घोड़े को रोक कर वहाँ पर रुक जाते हैं और उनके मन में उस जंगल की खूबसूरती को देख जो भी फीलिंग्स आती हैं जो भी शब्द उनके मन में आते हैं उनको एक पोएम का रूप उन्होंने दे दिया एक कविता का रूप उन्होंने दे दिया वही कविता वो पोएम हम आज पढ़ने वाले हैं उस बूट्स आई थिंक आई नो पॉइंट कहते हैं कि ये जो जंगल है ना ये किसके हैं मैं ये जानता हूँ इस वूट्स इज़ इन तो हालांकि उसका जो घर है वो किसी गांव में है विल नॉट सीम इज स्टॉपिंग योर टू वॉच हिज फिल अप विद स्नो और वो यहाँ पर नहीं है वो मुझे नहीं देख सक पाएगा कि मैं उसके जंगल में रुका हुआ हूँ अपने घोड़े को भी रोका हुआ है यहाँ पर उसके साथ और मैं इस जंगल की खूबसूरती को निहार रहा हूँ साथ ही साथ जो जंगल है वो पूरे तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं इन चीज़ों को वो अपने गांव में अपने घर में रहकर नहीं देख सकता मैं लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट को स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर अब मेरे साथ जो मेरा छोटा सा घोड़ा है वो बेचारा भी सोच रहा होगा उसको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पर तो कोई आस फार्म हाउस भी नहीं है फिर भी हम इस बर्फीले शाम में अंधेरी शाम में जब इतनी ठंड है तो इस जंगल में सुनसान क्यों रुके हुए हैं बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर यानी कि जंगल घना जंगल और साथ ही साथ जमी हुई जो लेक है उसके बीच में और ये बर्फीली और अंधेरी शाम जो कि साल की सबसे अंधेरी शाम थी इस दिन हम यहाँ पर आखिर क्यों रुके हुए हैं ए शेख तो वो क्या करता है आ, अपनी जो हार्नेस स्पेल है मतलब घोड़े के गले में जो पट्टी के साथ हम घंटी बांध देते हैं उसको हिलाता है वो टू आस्क इफ टूर सम मिस्टेक ये और ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ पूछ रहा हो कि क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो हम इस जंगल में रुक गए हैं क्या हम अपने रास्ते से भटक गए हैं जहाँ जाना था उस जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं कुछ उलझन में है क्या इस वजह से रुक गए हैं ऐसा कुछ पूछने के लिए उसने अपनी घंटी को हिलाया होगा ऐसा पोएट ने डिफाइन किया है द ओनली अदर साउंड स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउन फ्लेक और उस घंटी की आवाज़ के अलावा जो उस जंगल में आवाज थी वो सिर्फ थी तो हवा के साएसाय करने की जो हवा वहाँ पे चल रही थी बर्फीली ठंडी उस हवा के साए साय करने की जो आवाज़ थी और साथ ही साथ जो बर्फ पड़ रही थी उसके गिरने की आवाज़ थी उसके अलावा और कोई साउंड वहाँ पर नहीं था वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप जो जंगल थे वो बहुत ही प्यारे थे घने भी थे है ना सघन थे बट आई हैव कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप तो यहाँ पर बड़े जंगल की खूबसूरती का वो बखान कर रहे हैं कि बहुत ही प्यारे जंगल हैं ये इसकी जो खूबसूरती है वो निहारने लायक है और यहाँ से जाने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा लेकिन मुझे जो काम है कुछ वो करने हैं और उसके लिए मैंने वादे किए हुए हैं और उन वादों को निभाने के लिए अपने कामों को समय से पूरा करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मुझे जाना पड़ेगा सोने से पहले मुझे उस गंतव्य स्थान पर पहुंचना पड़ेगा सो दैट द पॉइम स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग आई होप कि आपको ये समझ आई होगी है ना और साथ ही साथ अच्छी भी लगी होगी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ टिल देन बाय टेक केयर नाइस डे।